हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनपीसी ऑनलाइन क्लासेस। आपका दोबारा स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोलिनेशन या परागण क्रिया किस प्रकार से होती है और कितने प्रकार का पोलिनेशन या परागण होता है। जब पोलिनेशन या परागण हो चुका है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो हमारे पास पोलन ग्रेन है या पराग कण है वो कहाँ पर पहुँच चुका है, वो पहुँच चुका है वर्तिकाग्र पर पहुँच चुका है, यानी ये पहुँच चुका है कहाँ पर, स्टिग्मा पर। कहाँ से, तो ये पहुँच चुका है कहाँ से, एंथर से कहाँ पहुँच चुका है, स्टिग्मा पे पहुँच चुका है। अब आगे बात करेंगे, अब इस पराग कण का या पोलन ग्रेन का आगे फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। सो डियर स्टूडेंट, जैसे ही ये पराग कण कहां पहुंचेगा, ये इस जगह पर पहुंचा है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, यहां पर। अब यहां पर पहुंचने के बाद उसका क्या होना चाहिए, जर्मिनेशन होना चाहिए, उसका अंकुरण होना चाहिए। अंकुरण के लिए अपन बात करें, जो पोलिनेशन क्रिया हुई है, जो परागण क्रिया हुई है, तो जब पराग कण पोलन ग्रेन जब यहां पर पहुंचा है तो वो टू सेल स्टेज में है। उसने उसमें कितनी सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, जिनमें एक कोशिका जो है वो छोटी है और उस छोटी कोशिका को अपन बोल सकते हैं ये कोशिका है जनन कोशिका, या इसे हम बोलते हैं ये है जर्म सेल है, और दूसरी जो पराग कण में बड़ी कोशिका है उसे बोलते हैं हम लोग कायिक कोशिका, या इसे नाम दिया गया है वेजिटेटिव सेल। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं, जब पोलिनेशन क्रिया होती है, पोलिनेशन मैकेनिज्म होता है, परागण क्रिया होती है, तो परागण टू सेल स्टेज में या द्विकोशिकीय अवस्था में होता है, और कहां शिफ्ट हो जाता है, वर्तिकाग्र पर शिफ्ट हो जाता है। अब यहां जाकर इसका क्या होगा, इसका होगा जर्मिनेशन। आपसे ये पूछे कि जर्मिनेशन के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो स्पेशली वातावरण जो है वो किससे मिलेगा, तो जैसे ही पराग कण यहां पहुंचा है वर्तिकाग्र पर, इसका पोलिन क्या हो जाएगा, जर्मिनेशन हो जाएगा। अब जर्मिनेशन के दौरान क्या होगा, इसको कुछ क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, कुछ इसे न्यूट्रिएंट चाहिए। तो आपसे पूछे कि पोलिनेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए इसको न्यूट्रिएंट जो है वो कहाँ से मिलेंगे, कौन देगा। तो ये जो अपने पास सरफेस है, जो अपने पास किसी भी मादा पुष्प की क्या है, वर्तिकाग्र है, जो स्टिग्मा है, ये कुछ न्यूट्रिएंट यहाँ पर सिक्रीट करेगी, स्त्रावित करेगी, और वो न्यूट्रिएंट या जो है वो स्पेशली इसके अंकुरण में, इसके जर्मिनेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आपसे पूछा जाए कि वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, वो कौन कौन से पोषक पदार्थ हैं जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा जो है सिक्रीट करेगी, तो स्पेशली अपन बात करें, एक तो इसमें क्या होगी, शुगर होगी, शर्करा होगी। शर्करा के साथ महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ पर एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा बोरोन। तो यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पुटअप होता है कि वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा एलिमेंट है जो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में या अंकुरण में हेल्प करता है, सहायता करता है, तो आपका आंसर होगा बोरोन। जैसे ही इसे जस्ट शर्करा और कुछ दूसरे केमिकल्स और बोरोन तत्व को हम कंबाइनली एक नाम दे देते हैं, बोरोन कॉम्प्लेक्स। तो जैसे ही इसे क्या मिला, बोरोन कॉम्प्लेक्स मिला किससे, पोलन ग्रेन को, ये क्या हो जाएगा, जर्मिनेटेड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर कितनी कोशिकाएं, मैंने बोला इसके अंदर दो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका छोटी है और एक कोशिका बड़ी है। जैसा कि मैंने बताया कि छोटी कोशिका जनन कोशिका या जर्म सेल है या जनरेटिव सेल है, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल है। तो ये जो अपने पास सेल है, जो कि छोटी कोशिका है जिसका नाम है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, ये माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन करेगी, और समसूत्री विभाजन करके दो क्या बनाएगी, मेल गैमिट या नर युग्मक, ये यहाँ पर ये बनाएगी। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि जो दो, स्पेशली जो टू मेल गैमिट बनते हैं,
जो दो नर युग्मक बनते हैं वो कौन सी कोशिका से बनते हैं, जनन कोशिका से बनते हैं या जनरेटिव सेल से बनते हैं, और कौन से विभाजन से बनते हैं, कौन से डिवीजन से बनते हैं, तो हम कह सकते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन से बनते हैं। अब ये दोनों नर युग्मक यहाँ पर हैं। दूसरी ये जो कोशिका है अपने पास, इसका नाम क्या है, कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, ये क्या करेगी, इसमें कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन होगा और ये क्या बनाएगी, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम बोलेंगे पराग नलिका या इसे बोलेंगे पोलन ट्यूब। तो आपसे पूछे कि जब पराग कण का, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, तो पोलन ट्यूब या पराग नलिका किससे बनती है, तो वो बनती है कायिक कोशिका में लगातार माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन से। अब सिंपल सी बात है, आपको जैसे कि अच्छे से पता है कि ये बाहर की ये जो परत है, जो लेयर है, ये किससे बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई थी। और स्पोरोपोलिनिन कैसा होता है, बड़ा ही हार्ड क्या होता है, सब्सटेंस या रासायनिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर ये जगह देखिए, यहाँ पर क्या नहीं है, पोलन ग्रेन पर स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन नहीं है। और इस भाग को हमने नाम दिया था, इसका नाम है जनन छिद्र, या इसे बोलते हैं जर्म पोर। अब इस जर्म पोर से पोलन ट्यूब कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। आई रिपीट, कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल लगातार समसूत्री विभाजन करके, माइटोसिस करके पोलन ट्यूब बनाएगी, और पोलन ट्यूब किससे बाहर आएगी, जनन छिद्र या जर्म पोर से बाहर आएगी। सो इन अनदर लैंग्वेज आई कैन से स्पेशली पोलन ट्यूब डेवलप्स बाय द वेजिटेटिव सेल एंड कम्स आउट थ्रू द जर्म पोर और जर्मिनल पोर। अभी इसमें क्या होगा बेटा, एंटर होगी। एक बार आगे का डायग्राम देखेंगे, आप ये देखिए अपने पास, ये जो स्ट्रक्चर है ये आप पहले भी देख चुके हैं, ये किसका है, ये अंडक का या पिस्टिल का, कार्पल का या स्त्री कैसर का है। यहां पर आप देखिए, इसमें अंदर की ओर यहां जो संरचना है, इस भाग का नाम क्या है, अंडाशय है, या इसे हम बोलते हैं ये कौन है, ओवरी है। इस अंडाशय में ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ये स्पेशली किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का यानी बीजांड का। यहां पर हमारे पास पोलन ग्रेन है, ये उसकी इंटाइन लेयर है, आंतरिक सतह है, ये उसकी एक्साइन लेयर है, और यहाँ से पोलन ट्यूब इसमें एंटर हो रही है, राइट, जो कि कौन सी कोशिका से बनी थी, अभी बताया था आपको, वेजिटेटिव सेल से, कायिक कोशिका से। और इसके अंदर यहाँ पर दो, यहाँ पर क्या है, मेल गैमेट है, नर युग्मक हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पुमणु, या इसे बोलते हैं एंथ्रोजुइट्स। अब देखिए यहाँ पर अंदर की ओर, यहाँ पर भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है, जहाँ पर कितनी सेल्स हैं, यहाँ पर 3 सेल्स हैं, और ये 3 सेल्स जो हैं, ये 3 सेल्स हैं, ये जो हैं प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडल सेल हैं। यहाँ पर एक फीमेल गैमिट मादा युग्मक है, और ये 2 सहायक कोशिकाएँ हैं, और यहाँ पर ये द्वितीयक केंद्रक है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, भ्रूण कोश का स्ट्रक्चर हो गया। ये कंडीशन यहां पर है। अब एक ये पोलन ट्यूब यहां आगे की ओर क्या करेगी, मूव करेगी, यानी किस ओर जाएगी, ओव्यूल यानी बीजांड की ओर जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यहां पर ये पुटअप होता है कि ये बीजांड की ओर ही क्यों जा रही है, ये टर्न भी तो हो सकती है, बाहर भी निकल सकती है। ये जो अपने पास स्टाइल है, जिसे हम बोलते हैं वर्तिका है, इसके थ्रू भी तो कहाँ आ सकती है, बाहर आ सकती है। इसका रीज़न क्या है कि पोलन ट्यूब हमेशा किस ओर जाती है, बीजांड की ओर जाती है। तो सीधा सा रीज़न है, बीजांड इसे अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्पेशली 2 मेल क्या हैं, गैमिट है, और 2 मेल गैमिट को फ्यूज़न करना है यहाँ पर, एक को फीमेल गैमिट से और एक को सेकेंडरी न्यूक्लियस से। ऐसी कंडीशन में ये जो स्पेशली अपने पास फीमेल गैमिट है, जो मादा युग्मक है,
वो क्या निकालता है, कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, और पोलन ट्यूब की इस तरह की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है टूवर्ड द ओव्यूल, उसे बोलते हैं ये कीमोटैक्सिक मूवमेंट है। आई रिपीट, इट इज कीमोटैक्सिक मूवमेंट। अब ये मूव करेगी पिसान की ओर, यानी इस ओव्यूल की ओर। आगे देखिए, अब इसे एंटर होना है किसमें, ओव्यूल में। तो यहाँ पर मन बात करें, ये अपने पास एक ओव्यूल है, इस डायग्राम को मैंने बाहर ले लिया है, और यहां पर ये मान लेते हैं दीज आर थ्री एंटीपोडल सेल, इट इज सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड इट इज फीमेल गैमेट, मादा युग्मक, और ये दो सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं हैं। इन तीनों को हमने नाम दिया था अंड समुच्चय, जो किस ओर है, बीजांड द्वार की ओर है। अब देखिए ये पोलन ट्यूब यहां पर ऐसे आ रही है। अब इस पोलन ट्यूब को एंटर होना है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, यानी किसके अंदर इसे एंटर होना है, बीजांड के अंदर एंटर होना है। मैक्सिमम बात को मैं, आप देखिए, जब हमारे पास एंटर होने के लिए यहां पर क्या है, बीजांड द्वार है। आप देखिए यहां पर क्या है, बीजांड द्वार है, तो ऑब्वियसली एक कंफर्म बात है कि ये पोलन ट्यूब यहां से होते हुए किस ओर जाएगी, बीजांड द्वार की ओर ही जाएगी। जब हमारे घर में आने का रास्ता है तो हम दीवार से या छत से कूद के भैया क्यों आएंगे, तो यहां पर ये अपने पास पहुंच चुकी है किस ओर, बीजांड द्वार की ओर या माइक्रोपाइल की ओर, और यहां पर इसके पास क्या है, ये दो नर युग्मक है। ऐसा ये जो प्रवेश है किसके अंदर, बीजांड के अंदर, किसका, पोलन ट्यूब का, यानी ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंटर हो रही है। फर्स्ट यहां पर देखिए आप, ये बीजांड द्वार से हो रही है, तो इसे हिंदी में हम बोलते हैं, ये जो प्रवेश है इसका नाम है बीजांड द्वारीय प्रवेश, या इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रोगेमी। तो स्पेशली प्रोगेमी में क्या होता है, पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर होती है किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू या बीजांड द्वार के थ्रू। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनमें यही मेथड यूज करते हैं, कौन सा, प्रोगेमी का। नेक्स्ट बात करें, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, ये स्पेशली यहाँ से एंटर हो जाती है। आपको पता है ये पार्ट कौन सा है, ये, इसे हम बोलते हैं निभाग या चलेजा, इसे बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये यहाँ से भी क्या हो सकती है, एंटर हो सकती है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं दूसरा प्रवेश, उसे बोलते हैं निभागीय प्रवेश। और निभागीय प्रवेश जो है स्पेशली एक पादप में होता है, उसका नाम है बेटुला। और निभागीय प्रवेश को हम इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं चलेजोगेमी। तो पहला जो प्रवेश हुआ है वो कौन सा है, प्रोगेमी, बीजांड द्वार के थ्रू। दूसरा हुआ है किसके थ्रू, निभाग के थ्रू या चलेजा के थ्रू, तो उसका नाम हो गया चलेजोगेमी। और तीसरा जो प्रवेश इसमें हो सकता है बेटा, वो इसके थ्रू हो सकता है, इन्हें बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण के थ्रू। तो मैं कह सकता हूं कि स्पेशली जो इसका प्रवेश हो रहा है किसके अंदर, बीजांड के अंदर, ये कितने तरह का प्रवेश हो गया, ये हो गया तीन तरह का प्रवेश। एक तो हो गया कौन सा, अध्यावरणीय प्रवेश, यानी इंटेग्यूमेंट के थ्रू अंदर प्रवेश करेगी। दूसरा जो हो गया अपने पास वो हो गया निभागीय प्रवेश, और निभागीय प्रवेश में ये किसके थ्रू, चलेजा या निभाग के थ्रू पोलन ट्यूब क्या करेगी, अंदर एंटर होगी किसमें, ओव्यूल में। थर्ड जो है वो अपने पास कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बीजांड द्वारीय प्रवेश, और बीजांड द्वारीय प्रवेश में किससे प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार से करेगी। अधिकांश पादपों में, यानी लगभग कितने परसेंट पादपों में, 56% आवृतबीजी पादपों में बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल से ही पोलन ट्यूब अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। यदि हम इसकी बात करें, डायग्रामेटिक बात करें कि तीनों प्रवेश कौन कौन से हैं, तो देखिए आप, पहला मैंने बताया आपको
अध्यावरणीय प्रवेश बाय द इंटेग्यूमेंट, सेकेंड है निभागीय प्रवेश बाय द चलेजा, और थर्ड जो है वो है अपने पास है वो है बिजांड द्वारीय प्रवेश। ये तीन प्रवेश मैंने बताए जिसके थ्रू कौन पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब किसमें एंटर होती है, एंटर होती है किसके अंदर, बिजांड या ओव्यूल में एंटर होती है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखिए हम सीधा ही डायग्राम बिजांड का लेंगे। ये अपने पास स्ट्रक्चर है ओव्यूल का या बिजांड का, और ये अपने पास पोलन ट्यूब है। ओके, फर्स्ट कौन सा है बाय द इंटेग्यूमेंट, तो ये पोलन ट्यूब यहां से ऐसे इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर होगी। ये है इसका फर्स्ट मेथड जो मैंने आपके यहां रिप्रेजेंट किया है। सेकेंड मेथड है निभागीय प्रवेश, इसमें ये पोलन ट्यूब यहां से सीधे इसमें एंटर होगी, यानी कौन से एंड से आ रही है, ये आ रही है चलेजा एंड से, तो ये हो गया कौन सा प्रवेश, निभागीय प्रवेश। और तीसरा जो प्रवेश है वो कुछ ऐसे है कि पोलन ट्यूब ऐसे मूव करती हुई यहां पर आएगी, और ये अपने पास कौन हो गया बिजांड द्वार या माइक्रो पाइल हो गया, तो ये तीसरी कंडीशन अपने सामने होगी। इस तरह से तीन तरीके से एक इसमें प्रवेश करती है, बिजांड में प्रवेश करती है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, ओव्यूल में एंटर होने के बाद ओव्यूल में स्पेशली एक स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक, इसी का नाम क्या है भ्रूण कोश है। अब आप देखिए इस भ्रूण कोश के अंदर यहां पर तीन कोशिकाएं हैं जो किस ओर है, इस ओर है यानी निभाग की ओर है, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका, इसे हम बोलते हैं या इसे बोलते हैं हम लोग एंटी पोडल सेल्स। ओके, इसके बीच में यहां पर जो है वो क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है यानी द्वितीयक केंद्रक है, तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसे हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक हो गया। बात समझ में आ गई। और यहां पर जो है अपने पास कौन है फीमेल गैमेट है यानी मादा युग्मक है, जिसे हम बोलते हैं हमारे पास एग सेल है। अब ये देखिए यहां पर कौन एंटर हो, यहां तक कौन आ चुकी है, ये पोलन ट्यूब आ चुकी है जिसके अंदर दो यहां पर क्या है नर युग्मक या मेल गैमेट है यानी एंथ्रोजोइट्स है। आपको अच्छे से पता है यहां पर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, दो सिनर्जिड्स होती हैं या साय कोशिकाएं होती हैं। तो जैसे ही इसके अंदर यानी भ्रूण कोश के अंदर ये पोलन ट्यूब एंटर होगी, इमीडिएटली एक जो अपने पास ये सेल्स है ये क्या हो जाएगी डिजनरेट हो जाएगी, टूट जाएगी। कौन सी कोशिका टूट रही है जी, सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका टूट रही है, उसका टोटल साइटोप्लाज्म उसका कोशिका द्रव्य यहां पर स्प्रेड हो जाएगा। जैसे ये स्प्रेड हुआ और ये पोलन ट्यूब इसके थ्रू एंटर हुई, स्प्रेड कहां से साइटोप्लाज्मिक फ्लूड से एंटर हुई, तो जैसे कि आप जानते हैं कि सहायक कोशिका के सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स की प्रेजेंस के कारण इसके अंदर क्या हो जाएंगे कुछ पोर बन जाएंगे, छेद बन जाएंगे, और छेद बनते ही कौन दो नर युग्मक जो कि किसके अंदर थे पोलन ट्यूब में थे वो क्या हो जाएंगे फ्री हो जाएंगे। यहां तक की बात कन्फर्म हो गई। अब जैसे ही दो नर युग्मक या एंथ्रोजोइट्स क्या हुए हैं फ्री हुए हैं, तो उन्हें करना क्या है, अब हमारे पास सिचुएशन कैसी है, हमारे पास अब जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरे पास ये एम्ब्रियो सेक थोड़ा हमने बड़े साइज में ले लिया, यहां पर तीन क्या है एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये अपने पास क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक है, ये हमारे पास फीमेल गैमेट मादा युग्मक यानी एग सेल है, ये सिनर्जिड्स हैं, और एक सिनर्जिड्स क्या हो चुकी है
डीजनरेट हो चुकी है, अपघटित हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास दो मेल गैमिट या नर युग्मक फ्री हैं। अब दोनों नर युग्मक का आगे फ्यूचर क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में बात करें तो अब इन्हें क्या करना है डियर स्टूडेंट, इन्हें करना है निषेचन करना है या स्पेशली फर्टिलाइजेशन करना है। ओके, सो सिंपली एक जो मेल गैमिट है, सिंगल मेल गैमिट मूव करेगा कहां पर, फीमेल गैमिट की ओर मूव करेगा। इट इज मेल गैमिट, हैप्लोइड है, अगुणित है। इट इज फीमेल गैमिट और ये भी कैसा है, हैप्लोइड है, अगुणित है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे सिन गैमी बोलेंगे, या इसे बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। जैसे ही निषेचन हो गया तो निषेचन होते ही यहाँ जो संरचना बनेगी वो बनेगी 2N यानी डिप्लॉइड संरचना बनेगी और इसे बोलेंगे ZYZOT जाइगोट, या इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे हम इसे, युग्मनज बोलेंगे। और यही युग्मनज आगे चलकर इन फ्यूचर जो बनाएगा वो बनाएगा भ्रूण बनाएगा या क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, लगातार क्या करके सम सूत्री विभाजन करके। एक बार फिर देखिए, दो नरयुग्मक में से, दो मेल गैमिट में से एक मेल गैमिट या नरयुग्मक किससे फ्यूज हो रहा है, फीमेल गैमिट से फ्यूज हो रहा है, उसे हमने बोला फर्टिलाइजेशन या निषेचन। और निषेचन का रिजल्ट क्या हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना है जो सिंगल सेल यानी एक कोशिकीय संरचना है जो कि डिप्लोइड द्विगुणित है, उसे हम बोलते हैं युग्मनज। और अब इस युग्मनज में आगे चल के कंटिन्यूअस समसूत्री या माइटोटिक डिवीजन होगा और उसे जो संरचना बनेगी उसका नाम होगा एम्ब्रियो। अब सेकेंड जो अपने पास मेल गैमिट है इसका क्या होगा, आप ये देखिए, ये अपने पास जो है ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस, और आपको पता है ये सारी कोशिकाएं कैसी होती है, हैप्लोइड यानी अगुणित होती हैं। तो ये सेकेंडरी, ये जो अपने पास सेकेंड जो क्या है मेल गैमिट है, वो क्या करता हुआ, गति करता हुआ इसके पास पहुंचेगा। अब आपसे पूछे कि इनमें गति कौन सी होती है, इनमें ऐसी कौन सी चीज है कि ये गति करे, क्योंकि इनमें फ्लैजिला या कशाप तो है नहीं। तो इनमें जो गति होती है वो होती है स्पेशली अमीबोइड मूवमेंट, या कौन सी गति होती है, अमीबीय गति होती है। तो जो सेकेंड जो मेल गैमिट है वो कौन सी गति करता हुआ, अमीबीय अमीबोइड मूवमेंट करता हुआ इसके पास पहुंचाए। और अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस हो गए तीन, चूंकि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो इस क्रिया को से जो लास्ट में जो बनेगी वो बनेगी कौन सी संरचना, 3N संरचना। और इस 3N संरचना को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसे बोलेंगे प्राथमिक भ्रूण पोष। अभी तक मैंने वर्ड यूज किया है कोष, तो यह प्राथमिक भ्रूण पोष क्या बनेगा, केंद्रक बनेगा। इसे बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा है, ट्रिप्लोइड है। और ये ट्रिप्लोइड PEN या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चलकर जो बनाएगा वो बनाएगा एंडोस्पर्म, या क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। सिंपली आपसे ये पूछे कि एंडोस्पर्म क्या करेगा, तो एंडोस्पर्म क्या करेगा, जो भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उसे नरिशमेंट या पोषण देगा। अब सिंपली आप यहां देखिए, यहां पे कितने न्यूक्लियस आपस में मिले हैं, ये मिले हैं तीन। तो अपन बोले कि इस क्रिया को हम बोलते हैं त्रि संलयन। देखिए यहां पर दो चीजें हैं बेटा, एक तो मैंने बोला है यहां पर त्रि संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन है, और एक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में नॉर्मली दो मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज हुए हैं और जायगोट बनाया है, और जायगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। सेकेंड में मेल गैमिट तो है बट यहाँ पर कौन है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, चूंकि तीन जो है, थ्री क्या है, न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज हुए हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन या त्रि संलयन। और इन दोनों को मिलाकर, दोनों को आप किस किस को, एक तो किसको, निषेचन को, और दूसरा किसको, त्रि संलयन को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। तो आपसे पूछे डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से इवेंट जो है वो इंक्लूड है, तो एक तो है फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, कि वास्तव में यहाँ पे नर और मादा युग्मक मिले हैं, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हुए हैं, और ये जो है ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरा निषेचन। इज दैट क्लियर।
अब से पूछे कि इस पूरे प्रोसेस की डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया किसने, तो इसके बारे में बताने वाले थे नवाशीन नाम के साइंटिस्ट ने। किसके बारे में बताया? दोहरे निषेचन के बारे में बताया, और अपने एक्सपेरिमेंट जो किए वो जिस पादप पे किए थे उसका नाम था फ्रिटेलेरिया पादप पर किए थे। इज दैट क्लियर? तो आपसे पूछे हु डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट, देन योर आंसर इज बाय द नवाशीन, एंड फॉर एक्सपेरिमेंट ही चूज द फ्रिटेलेरिया प्लांट। अब अपने पास फाइनली दोहरे निषेचन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ें हमारे पास हैं उनमें दो चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास ये है जिसका नाम है जायगोट या युग्मनस, और दूसरी हमारे पास जो चीज़ है उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो इन नेक्स्ट क्लास हमें ये देखना है कि ये जो जायगोट है ये एम्ब्रियो कैसे बनाता है, भ्रूण कैसे बनाता है, और ये PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लोइड है, जो कि एंजियोस्पर्म की खास या स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणपोष कैसा होता है, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। तो आंसर क्या होगा? त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड होता है। इज इट क्लियर? तो ये आगे चल के एंडोस्पर्म कैसे बनाएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, व्हाट इज द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, सिंपली मेथड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इनकी बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लगातार हमारे चैनल को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ कमेंट में हमें सुधारने की जरूरत पड़ती है, लगता है कि कुछ कमेंट करना है तो वो भी कीजिए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। थैंक्स।